पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य और साथ ही साथ ज्योति मौर्य के कथित बॉयफ्रेंड मनीष दुबे, जिनको लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पूरी तरीके से पटा पड़ा है। इसी बीच मनीष दुबे की पत्नी की भी फोटोज अब जमकर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में उनके पति कमांडेंट मनीष दुबे पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब मनीष दुबे और उनकी पत्नी का आर्य समाज का एक सर्टिफिकेट भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों की शादी की तारीख 5 अगस्त 2021 बताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों की शादी के वक्त दो गवाह भी मौजूद थे। गौरतलब है कि मनीष दुबे की जो फोटोज उनकी पत्नी के साथ वायरल हो रही हैं, उनमें काफी ज्यादा प्यार नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि अगर दोनों के बीच में इतना ही प्यार था तो ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के केस में मनीष का नाम बार बार क्यों आ रहा है। वहीं मनीष दुबे की शादी करवाने वाले आर्य समाज के जनरल सेक्रेटरी संकल्प मिश्रा ने दोनों की शादी को लेकर क्या कुछ बताया, चलिए सुनवाते हैं आपको। डॉक्यूमेंट देखने के बाद और जो फोटोग्राफ देखे गए हैं, पिक्स देखे गए हैं, वो हमारे मंदिर के ही हैं जी। हमारे मंदिर में शादी इनकी हुई है जी। और पहला कि ये हम हलफनामा लेते हैं एफिडेविट कि हम अपनी मंदिर शादी कर रहे हैं, क्या बालिग हैं जी। पहला विवाह हमारा है, आर्य समाज में आस्था रखते हैं जी। और उसी और ये मेरा पहला विवाह है ओके। उसके उपरांत हम विवाह संपन्न कराते हैं ओके। दो गवाहों की उपस्थित में, वो जो भी बालिग होने चाहिए अबव 18 ओके। और जिनकी शादी होनी है ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, उनकी 18 and 21 एज होनी चाहिए विद डॉक्यूमेंट्स। आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य का मुद्दा खासा चर्चा में है। ऐसे में देखना होगा कि मनीष दुबे मामले में क्या बोलते हैं, खासकर तब जब उनकी पत्नी की भी फोटोज अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।